मिल जाता है। एंड जब आप बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जो गेट एप्लीकेशन देखने को मिल रही थी वो अब इजीली यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुकी है। एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कहीं पर भी वो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती। एंड आप इसको व्हाट्स अप गाइस, दिस इज नवीन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco के डिवाइस से ब्लॉटवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप दोस्तों नया फोन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ ये Amazon, Facebook एंड Prime Video, एंड इनको दोस्तों हम यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। बट दोस्तों उनका क्या, जो हम यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते ना ही उसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे गेट एप्स नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जिसको दोस्तों हमें यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलता ना ही डिसेबल का, एंड ये हमें यहाँ पे एज इट इज ही देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है जब आपका क्लीन यूआई नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ब्लॉटवेयर को अनइंस्टॉल करने वाले हैं। एंड सबसे कमाल की बात, इसके लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको किसी पीसी की जरूरत पड़ने वाली है। बस जरूरत पड़ने वाली है इस वीडियो को एंड तक वॉच करने की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 9 Pro, एंड इसके अंदर से मैं आज आपको ब्लॉटवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है दोस्तों LADB। सिंपल इसको यहाँ से ओपन कीजिए, एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इसके इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको इसको मिनिमाइज करना है, एंड यहाँ से आपको फिर बैक आना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फोन, एंड यहाँ पे आपको MIUI वर्जन पर काफ़ी बार टाइप करना है। एंड आप देख सकते हैं यू आर नाउ ए डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रोल करते हुए नीचे जाना है, यहाँ से जाना है एडिशनल सेटिंग में। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे स्क्रोल करते हुए नीचे जाना है, एंड जाना है यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है USB डिबगिंग। इसको सिंपल ऑन कर दीजिए, एंड यहाँ से आपको यहाँ पे ओके करने के लिए पूछेगा, तो कुछ सेकंड वेट करना है एंड इसको यहाँ से ओके कर। सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है ओके का, सिंपल इसको ओके कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है वायरलेस डिबगिंग। सिंपल इसको ओपन कीजिए, एंड उसके बाद यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ से आपको ओके का परमिशन मांगेगा, तो सिंपल इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगेन इसको ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड। सिंपल इसको दोस्तों टैप करिए, एंड टैप करने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक वाईफाई पेयरिंग कोड देखने को मिलता है, एंड उसके बाद नीचे मिलता है हमें IP एड्रेस एंड पोर्ट कोड। तो सिंपल आपको जो पोर्ट कोड है यहाँ पे आपको लास्ट की जो 5 डिजिट है इसको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक पोर्ट ऑप्शन देखने को मिलता है एंड पेयरिंग कोड का। तो पोर्ट वाले में हमें पोर्ट वाला ऑप्शन देखने ये वाले नंबर टाइप करने हैं, एंड पेयरिंग कोड में हमें ये वाला डिजिट टाइप करनी है। तो जैसे यहाँ पे पेयरिंग कोड है हमारा 83 86 83 83 86 83, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट वाले पर जाना है, एंड यहाँ से आपको टाइप करना है 37 89 7 37 89 7। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर देना है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे पेयर पर टैप कर देना है। यहाँ पे कुछ सेकंड वेट लेगा, एंड यहाँ पे जब आपको कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे हम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग कनेक्टेड, यानी ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। एंड दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल डेटा ऑन नहीं करना है, यहाँ पे आपको वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेना है, तभी ये दोस्तों वर्क करेगा। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया है, यानी ये भी दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ जाना है, एंड आप जहाँ से जोन से भी यहाँ से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं सिंपल उसके आपको यहाँ पे ऐप इन्फो में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे गेट ऐप्स को यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, एंड उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला आइकन। सिंपल इस पर जाके आपको यहाँ पे APK नेम इस पर दोस्तों टैप करना है, एंड ये वाला नाम आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक आना है, एंड यहाँ पे आपको गेट ऐप्स नाम की एक एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। अब मैं इसको ही अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक कमांड एंटर करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे PM --install --k --user-0 एंड स्पेस। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पैकेज नेम जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे उसको सिंपल पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सक्सेस लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। एंड जब आप बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जो गेट एप्लीकेशन देखने को मिल रही थी वो अब इजीली यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुकी है। एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कहीं पर भी वो एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती। एंड आप इसको चाहे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं हमें ना ही इसके अंदर देखने को मिलती है, ना ही टूल्स के अंदर देखने को मिलती है, वो इजीली सक्सेसफुली यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुकी है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये दोस्तों मैं MIUI 14 इसके अंदर रन कर रहा है, आप देख सकते हैं, एंड ये इजीली इस पर वर्क करती है। बाकी इसको अगर HyperOS पे भी आप वर्क करना चाहे तो HyperOS पे भी यहाँ पे इजीली ये काम करता है। पर भी गेट ऐप नाम की कोई एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती आपको, मैं दिखा देता हूँ गेट। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती, तो इजीली आप इसको HyperOS पे भी रन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन से क्लीन UI पर आ सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।